अमन भल्ला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में इंटरनेशनल एजुकेशन फेयर 2024 का भव्य आगाज हुआ। इस आयोजन में छात्रों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इंटरनेशनल एजुकेशन फेयर 2024 का शुभारंभ संस्थान के प्रेसिडेंट रमन भल्ला, चेयरपर्सन अनु भल्ला और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर पूजा औरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। फेयर में आए विशेषज्ञों ने छात्रों को बेहतर करियर चुनने के लिए मार्गदर्शन भी दिया। प्रेसिडेंट रमन भल्ला ने कहा कि किसी भी संस्थान को चुनने के पहले छात्रों को उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए, वहीं किसी प्रकार जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। इंटरनेशनल एजुकेशन फेयर 2024 में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएसए, यूके और यूरोप के 10 से ज्यादा नामी यूनिवर्सिटी और शैक्षणिक संस्थानों ने स्टॉल लगाकर कॉलेज, कोचिंग और विश्वविद्यालयों से जुड़ी शिक्षण सामग्री के साथ कोर्स की जानकारी उपलब्ध करवाई। इसके अलावा यहाँ पर विभिन्न संस्थानों के काउंसलर छात्रों का मार्गदर्शन भी कर रहे थे। प्रेसिडेंट रमन भल्ला और चेयरपर्सन अनु भल्ला ने कहा कि एक उत्कृष्ट पहल थी जो दूरदर्शी है और उनका मानना है कि इस स्तर पर छात्रों को अपनी पसंद के अनुसार अपना करियर चुनने का अवसर दिया जाना चाहिए। इस मौके पर प्रिंसिपल डॉक्टर रजत अरोड़ा, प्रिंसिपल गौरव सैनी, प्रिंसिपल डॉक्टर नीरज पुरी, डॉक्टर जदी सिंह, वाइस प्रिंसिपल मनु मेहरा, डीन मैनेजमेंट तरुण ओहरी, डीन स्पोर्ट विक्रम सुम्बरिया, डीन एक्स्ट्रा एक्टिविटी सुनैना और आस्था सैनी सहित समूह स्टाफ उपस्थित थे। मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर पुजारी ने कहा कि कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के लिए जागरूकता पैदा करना और उनके संपूर्ण विकास के लिए एक्सपोजर देना बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रदर्शन से छात्रों को अपने करियर के बारे में बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। ये एजुकेशन फेयर माता पिता को आज के करियर विकल्प की आवश्यकता को समझने में भी मदद करेगा, जिससे उन्हें डॉक्टर और इंजीनियरिंग से परे सोचने में मदद मिलेगी। अमन भल्ला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स की तरफ से आज 7 तारीख को हमारे अपने कॉलेज में सेमिनार करवाया गया है और बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जा रहा है। ये टेस्ट बेसिकली उन बच्चों के लिए है कि जो बाहर जाने के लिए इच्छुक होते हैं। इसमें उनका क्वालिटी चेक होता है, सबसे पहले आईएलटीएस कि उनका जो इंग्लिश इंटरनेशनल इंग्लिश लर्निंग जो टेस्ट है, एक तो इससे ये होगा कि उनको अपने आप का पता चल जाएगा कि उनकी क्या रैंकिंग आती है। नॉर्मली आईएलटीएस टेस्ट के लिए बहुत सा पैसा चार्ज किया जाता है, पर हमने टाइप करके चंडीगढ़ के ग्रे मैटर्स के साथ उनको कहा कि यहाँ पे आके टेस्ट लीजिए और ये मात्र 500 रुपये में ये बच्चे टेस्ट देंगे और इनको अपना अपने बारे में पूरी जो है जानकारी मिलेगी कि हम हमारे स्कोर हमारा बैंड कहाँ तक आता है। और उसके साथ ही साथ इंटरनेशनल एजुकेशन फेयर भी हमने यहाँ पे लगाया है, जिसमें 13 अलग अलग कंट्रीज के कॉलेजेस ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है और वो अपने कॉलेजेस के बारे में और अपनी कंट्रीज में शिक्षा के बारे में नॉलेज देंगे कि उनका शिक्षा का स्तर कैसा है। सो दो टेस्ट इस वक्त कॉलेज में आज हो रहे हैं और उन टेस्ट के माध्यम से बच्चे को अपने आप का पूरा पता चलेगा कि हम हमारा क्या लेवल और क्या स्कोर। सर टाइमिंग की रहेगा ऐसे इंटरनेशनल एजुकेशन फेयर का टाइमिंग की रहेगी? टाइमिंग आज शाम 5 बजे तक के टेस्ट चलेंगे। जो बच्चे आएंगे उन्हों का लैंग्वेज टेस्ट होएगा, उन्हों का रिटन टेस्ट होएगा और उस तो बाद बच्चों दसांगे कि तुम्हें तो की अपना स्कोर आया।